हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पार्लर जैसा फेशियल घर पर ही आसानी से कैसे कर सकते हैं एंड आपकी स्किन को ग्लोई किस तरह से बना सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो फेस है अभी काफ़ी डल लग रहा है। सो फर्स्ट मैं थोड़ा सा फेस को वेट कर लूँगी। देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश। तो इससे मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। सो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन ऑयली हो या फिर ड्राई स्किन हो तो बहुत अच्छे से आपको वर्क करेगा एंड बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है एंड धीरे धीरे ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी रिमूव करता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो ये मेरी सेकेंड परचेस है। सो मैं अच्छे से इसे वॉश कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, फेस वॉश करने के बाद फेस जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। सो मैं यहाँ पर एक ल्यूक वार्म वाटर में इस टॉवल को डिप कर मैं अच्छे से फेस की स्टीमिंग करूँगी। इससे क्या होगा, आपके जो ओपन पोर्स हैं अच्छे से ओपन हो जाएंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो ये अच्छे से अंदर तक जाकर पोर्स को भी क्लीन कर देगा। सो यहाँ पर मैं लूँगी एल्प्स गुडनेस का ये रोज़ स्क्रब। बहुत ही अच्छा स्क्रबर है। सो ऑलरेडी मैं इसके 2 से 3 बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ। देन इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी माइल्ड है एंड इसमें स्मॉल ग्रैनुलेट्स है जो कि बहुत ही अच्छे से स्क्रबर का काम करते हैं। एंड जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह से आपने अच्छे से मसाज करना है, स्क्रब करना है। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे से स्क्रब करना है, बट आपको लाइट हैंड से ही स्क्रब करना है। सो जहाँ जहाँ आपको लगे कि ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो, वहाँ पर अच्छे से इस तरह से मसाज कर ले। एंड यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में रखा है, इसीलिए स्पीड ज़्यादा दिख रही है, बट आपको लाइट हैंड से ही करना है। सो यहाँ पर मैं वेट टॉवल की हेल्प से इसे वाइप आउट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे वॉश कर सकते हो। सो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करने के बाद आप इसे वॉश कर ले ठंडे पानी से। सो नेक्स्ट यहाँ पर अब हम मसाजिंग क्रीम बनाएंगे। इसके लिए मैंने ऑरेंज जेल लिया है गुड वाइब्स का एंड मैं इसमें डालूँगी रोज़ हिप सीरम। ये बहुत ही अच्छा सीरम है एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो इसके 2 ड्रॉप्स मैं ऐड करूँगी एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड अब हम इसे मसाजिंग जेल की तरह इसे यूज़ करेंगे एंड एटलीस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स तक आपकी स्किन में मसाज देनी है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है इंक्रीज़ होगा एंड इससे आपको नेचुरली ग्लो भी प्रोवाइड होगा। सो अच्छे से मसाज करें एंड इस तरह से मसाज करने से आपको बहुत ही रिलैक्सेशन फील होता है। सो अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से करें जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। इससे आपकी स्किन जो है रिंकल्स नहीं होंगे एंड अपलिफ्टेड रहेगी। सो अच्छे से मसाज करें, एटलीस्ट 10 मिनट तक आप अच्छे से मसाज करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो भी मिलेगा। सो आप इस फेशियल को 1 time a month ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेगा। सो लास्टली मैं यहाँ पर एल्प्स गुडनेस का चारकोल फेस मास्क लगाऊंगी। ये भी काफ़ी अच्छा मास्क है, काफ़ी ईजिली ड्राई हो जाता है। जस्ट 15 मिनट में ही, 10 to 15 मिनट्स में ही ये ड्राई आउट हो जाता है। सो मैं इसे अच्छे से एक थिक लेयर में अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी फिंगर की हेल्प से ही एंड इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, न्यू हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी एंड इसे ड्राई होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आपको पूरा ड्राई नहीं होने देना है, आप कौन सा भी फेस पैक लगाओ, पूरा ड्राई मत होने देना। एंड थोड़ा जब ये गीला गीला हो तो आप इसे अच्छे से मसाज करते हुए उतार ले। सो यहाँ पर भी मैं पानी की हेल्प से इसे मसाज करते हुए, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ले रही हूँ एंड इसे अच्छे से मसाज करते हुए इसे
उतार लूँगी। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा एंड आपको नेचुरली ग्लो प्रोवाइड होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मेरी जो फेस है क्लीन हो गया है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ एल्प्स गुडनेस का रोज़ ग्लो टोनर एंड बहुत ही अच्छा टोनर है। इसे डैप करूँगी ताकि स्किन में अच्छे से अब्जर्व हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए एंड ये आपको बहुत ही अच्छा ग्लो भी देता है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग के लिए गुड वाइब्स का रोज़िप सीरम यूज़ करूँगी। बहुत ही अच्छा सीरम है, इसकी हेल्प से मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी एंड स्किन में अच्छे से अब्जर्व होने दूँगी एंड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ग्लो आपको ये प्रोवाइड करेगा। सो आप इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे से मेरी स्किन जो है क्लीन हो गई है एंड मुझे बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है। सो एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सो मुझे ये फेशियल काफ़ी अच्छा लगता है। सो आपको 3 डेज में बहुत ही अच्छा ग्लो मिलेगा। सो ज़रूर ट्राई करें। लास्टली मैं यहाँ पर लिप बाम अप्लाई करूँगी एंड ये वादी हर्बल का ब्लूबेरी लिप बाम है। सो दैट्स इट, यही थी मेरी आज की वीडियो। बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। सो मैं नाइट टाइम में ही इस फेशियल को करती हूँ। सो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए बाय बाय।